हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरे सारे फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? एकदम मजे में ना? वेरी गुड फ्रेंड्स। आज फिर से मैं आप सभी के साथ दो रिक्वेस्टेड रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। कुछ दिनों पहले ही मेरे व्यूवर्स का कहना था कि गाजर का हलवा बनाएं और सेम की सब्जी बनाएं, तो पिछले ही हफ्ते से मुझे ये दोनों रिक्वेस्ट थी और आज मैं ये दोनों ही रेसिपीज आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। विंटर स्पेशल गाजर का हलवा बनाएंगे पहले, और उसके बाद हम लोग गर्मा गर्म आलू सेम की सब्जी। आइए देखते हैं हमारा आज का ये रूटीन। ये है 1 किलो गाजर, और गाजर के हलवे के लिए हमेशा मोटी वाली गाजर लेनी चाहिए जो लाल होती है। और ये है सेम, इसे हमने धो लिया है और ऊपर नीचे की पतली सी ऐसे छील के निकालते हैं। ये इतना सारा निकला है उसका, जो रेशे निकलते हैं दोनों साइड से, और फिर उनको दो टुकड़े में इस तरीके से खोल कर देखते हैं सारी सेम, क्योंकि अंदर बीजे होते हैं और अंदर कीड़े होते हैं, है ना? तो इसलिए पूरा खोल करके ही देखना चाहिए। और इसमें दो तरह की होती है सेम, एक होती है चपटी वाली जिसमें बीजे नहीं होते हैं, और ये एक फूली फूली सी होती है जिसमें अंदर बीजे भरे होते हैं, दाने, है ना? और दाने बहुत ही अच्छे लगते हैं, तो ये दाने वाली सेम है। और अब हमने उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं खोलने के बाद, और गाजर भी धुली हुई है, उसको हमने इस तरीके से छिलका निकाल लेना है। आज जो गाजर हमारे घर आई है ये बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है हलवे के हिसाब से, हलवे के हिसाब से इससे भी ज़्यादा डार्क लाल आती है और मोटी आती है। अब चूंकि हलवा बनाना था तो जो मिली वही ले लिया गया है। अभी शुरुआत हुई है बुसौल में, और ये इतना छिलका हमने साइड में कर दिया है दोनों ही चीज़ों का। अब हम गाजर को कद्दूकस करेंगे। पहले ही गाजर को धो लेंगे, उसके बाद छीलेंगे ताकि एकदम ड्राई रहे, पानी ना रहे। और हमने कद्दूकस कर लिया है। आपको कद्दूकस करने में टाइम लगेगा, कभी कभी हम लोग ज़्यादा भी बनाते हैं, 2-2 किलो गाजर की तो बहुत वक्त लगता है। तो आपके पास यदि फूड प्रोसेसर है तो आप उसमें कर सकते हैं, या फिर चॉपर से भी कर सकते हैं। मिनी चॉपर में भी खूब अच्छी सी फाइन हो जाती है, और फिर आप उसको बना सकते हैं। और ये देखिए घी 2 संडे निकल चुका है, मैंने बोला ही था कि ये देखिए कल जो निकाला था घी, मतलब ठंडा होने के बाद सफ़ेद एकदम रवेदार घी दिखता है, जो ये देखिए दानेदार घी है ना। तो अब घी डाल करके हम सबसे पहले गाजर को भूनेंगे। हमने कढ़ाई में इस तरीके से अंदाज से घी डाल दिया है, तो समझ लीजिए 2 से 3 चम्मच घी है, बड़ी चम्मच। और ये 1 किलो गाजर ग्रेट की हुई है, इसे डाल करके हम लोग भूनेंगे। बहुत से लोग गाजर को उबाल लेते हैं कुकर में, पर सच पूछो तो उबली हुई गाजर के हलवे में मज़ा नहीं आता। मैं हमेशा ऐसे ही हलवा बनाती हूँ, और इस कढ़ाई में ही बनाती थी जब हम पाचोरा में थे। जब से वो वीडियो शूटिंग वगैरह रहती है तो फिर मैं छोटे ही बर्तन में बनाने लगी थी। तो ये देखो आज इस कढ़ाई में आप इस तरीके से भूनेंगे, मतलब कोई भी अपने घर की बड़ी कढ़ाई में, फैली हुई सी कढ़ाई रहे और भारी रहे, ताकि वो धीमी आँच में भी खूब अच्छा सा भून। और भारी कढ़ाइयों में अच्छी बात ये होती है कि एक बार वो गर्म हो जाती है ना, तो लंबे समय तक फिर वो गर्म बनी रहती हैं। जैसे तेज़ आंच में आपने शुरू में आपने इस्तेमाल किया, फिर आपने आंच धीमी कर ली, तो वो कढ़ाई गर्म ही रहती है, वजन रहता है, वो गर्म हो जाती हैं। फिर वो आप धीमी आँच भी करते हैं फिर भी वो बर्तन गर्म रहता है। तो इस तरीके से इसको भूनेंगे। और ये है 1 लीटर दूध। दूध हमारे घर रात में आता है, तो मैंने इसको उबाल करके ही रखा था बड़े भगोने में, और फिर मैंने इसको निकाल लिया है फ्रिज से अभी। तो ये नाप इसलिए बताए कि 1 लीटर डालना है हमें, तो हमने छोटे भगोने का, इस भगोने में हमारा 1 लीटर दूध आता है पूरा पूरा, तो उतना ही मैंने नाप के बताया है। 1 किलो गाजर में मैं 1 लीटर दूध डालती हूँ। अगर 2 किलो गाजर बना रहे हैं तो 2 लीटर दूध का इस्तेमाल करेंगे। फिर आपको मावा डालने की ज़रूरत नहीं है, एकदम रबड़ी जैसा बहुत ही टेस्टी हलवा बनता है। अगर आप मावा वाला बनाना चाहते हैं तो सिर्फ आप जब भून के पकाते हैं उसके बाद डालते हैं। मेरे चैनल पर दोनों ही तरीके के गाजर के हलवे की रेसिपी है, और एक बार मैंने माइक्रोवेव में भी हलवा बताया है, एक बार मैंने मावा वाला भी बनाया है, और दूध वाला मैं हमेशा बनाती हूँ, जो कि आज दिखा रही हूँ मैं। तो इस तरीके से औंटते हैं, मतलब अब आप इसको बीच बीच में हिलाते रहो, बीच बीच में, लगातार नहीं, और उसको पकने दें। आज को हमने मीडियम रखा है, बहुत धीमा करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है, और चूंकि कढ़ाई हमारी भारी है तो हमें पता है जलेगा नहीं, और भी काफ़ी देर तक पकना है दूध है, तो हमने इस तरीके से मीडियम आँच में इसको पकने दिया। धीरे धीरे आप खुद ही देखेंगे गाढ़ा पर आने लगता है, और ये देखिए थोड़ा सा क्वांटिटी भी कम होने लगती है, वो जो गोल घेरा पहला वाला देख रहे हो आप, धीरे धीरे नीचे पहुँच जाएगा यही सर्कल, मतलब दूध गाढ़ा होता जा रहा है और गाजर उस दूध में पकती जा रही है। और पहले ही हमने घी में भून लिया तो उससे गाजर जल्दी पक जाती है, और बस अब गाढ़ापन होता जाएगा और
हलवा तैयार हो जाएगा। इसीलिए बिल्कुल मोटी वाली जो गाजर आती है ना, लाल वाली, वो लीजिएगा। अभी शुरुआत थी तो जैसा कि मैंने बताया, जो गाजर मिली तो मार्केट से वो ही ले ली। तो अब ये देखिए, धीरे धीरे ऑलमोस्ट ऐसा लग रहा है कि अब हलवा तैयार होने वाला है। क्वांटिटी एकदम हाफ हो जाती है और एकदम गाढ़ापन सा आ जाता है। अब हमने एकदम धीमी कर दी है हलवे की गैस, और यहाँ पर हम सेम की सब्जी की तैयारी कर रहे हैं। सेम पहले से धो के काट लिया था, आलू लिए हमने दो, उसको छोटा छोटा काट लिया है, हरी मिर्ची काट ली है, लहसुन काट लिया है। अब हमने कढ़ाई में सरसों का तेल डाल करके गरम किया, और जैसे ही तेल गरम हुआ तो हमने कटे हुए लहसुन डाल दिए हैं, और 1 चम्मच जीरा डाल देंगे, 1 चुटकी हींग डाल देंगे। हींग लहसुन सेम की सब्जी में जरूर डालें, सेम की सब्जी बहुत ही फायदेमंद होती है। और हमने कटी हुई हरी मिर्ची डाल दी है, आधा चम्मच करीब हल्दी पाउडर डाला है, और अब हमने डाले हैं छोटे छोटे कटे हुए आलू, जो कि तेल और हल्दी में अच्छे से फ्राई हो जाएं। ये देखिए, तेल में आलू एकदम फ्राई होते हैं हर सूखी सब्जी के लिए, आपने देखा है। और इसे ढक दिया है ताकि आलू एकदम रेड रेड से हो जाएं, क्योंकि सेम पकने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता है, और आलू पहले से पक जाएंगे तो वो कड़े नहीं रहेंगे, इसलिए हमने छोटे पीसेज रखे हैं। उन्हें फिर से एक बार हिला देंगे खोल करके, और अब हम डाल देंगे ये एकदम साफ की हुई सेम। सेम मैं कैसे साफ करती हूँ, सेम की सब्जी की जो पहले मैंने रेसिपी शेयर की है लास्ट ईयर, बहुत बार बनाया था तो पूरा दिखाया था किस तरीके से पूरी एक एक सेम साफ करनी चाहिए। ऊपर की छोटी सी होती है वो नोक, वो काटी जाती है, फिर किनारे से दोनों साइड से रेशे निकाले जाते हैं, फिर बीच में से खोला जाता है और फिर टुकड़े किए जाते हैं। अब अच्छे से भूनने के बाद नमक स्वाद के अनुसार डाल देंगे, और फिर सबको डाल करके मिक्स कर देंगे। आप देखिए, हल्दी तेल में डालने से कलर कितना प्यारा आया है, और सेम बहुत ही सेहतमंद सब्जी होती है, और खासकर इन्हीं दिनों आती है विंटर्स में, और सीजनल सब्जियां हो या फल हम सभी जानते हैं बहुत फायदेमंद होते हैं। तो बस एक तरफ हलवा भी बन रहा है और एक तरफ सब्जी भी पक रही है, और जल्दी से हलवा बन जाए दोनों बच्चों को इंतज़ार है। आज दोनों ही बच्चे घर पर हैं, और सेम की सब्जी भी ये देखिए खोल कर देखेंगे, बहुत जल्दी पकती है ये सब्जी। आलू इसलिए हमने पहले से पका लिए थे, बहुत पतली पतले से, देखा आपने, दो कवर खुल जाते हैं फिर वो बहुत ही नाजुक रहती है। अब हमने जब सेम पक गई है तो 1 चम्मच धनिया पाउडर डाला है, आधा चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाला है, और 1/4 चम्मच गरम मसाला। ये जो हमने घर में मसाला बनाया है उस दिन, बहुत स्ट्रांग है इसकी खुशबू, बिल्कुल 1/4 चम्मच डालने से ही सब्जी में मतलब अच्छा सा टेस्ट आ जाता है, खुशबू भी अच्छी आती है। तो सबको डाल करके मिक्स कर देंगे। ये एकदम कम मसाले की सब्जी होती है और बहुत ही टेस्टी होती है, और खासकर गर्मा गर्म पराठे जरूर चाहिए, या फिर आप दाल चावल सब्जी रोटी बना रहे हैं तो दाल के साथ सूखी सब्जी में सेम बना सकते हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ सब्जी रोटी खाएंगे तो रूखा लगेगा, तो गर्म पराठे के साथ सेम बनाइएगा। तो अब मैंने निकाले ड्राई फ्रूट, तो थोड़े से काजू, थोड़े बादाम और थोड़ी किशमिश ली है। ड्राई फ्रूट्स कम ज़्यादा आप अपनी पसंद से कर सकते हैं, मैंने बिल्कुल कम लिए हैं, और बस काट के रख लिए हैं। काजू को 2 टुकड़े कर लिए हैं, बादाम के छोटे टुकड़े किए हैं, और फिर देखिए हलवा को एक बार हिलाया है, बस 2-3 मिनट का ही काम था। अब हमने एक छोटी कटोरी चीनी डाली है, चीनी एकदम लास्ट में डालती हूँ मैं जब पूरा हलवा पक जाता है। तो अभी ये देखिए धीमी आंच है और हमने चीनी डाली है, हलवा खूब तेज़ गर्म है, चीनी डालते ही तुरंत मेल्ट हो जानी है, और फिर जो पानी निकलेगा क्योंकि चीनी डाली है तो फिर हल्का सा मॉइस्चर आएगा, और ये लास्ट में इसीलिए डालती हूँ मैं कि फिर तुरंत ड्राई हो जाता है वो। तो अभी उसको धीमी आंच कर दिया है, और यहाँ ये सब्जी भी हिलाते जाएंगे, क्योंकि जब दो चीज़ें बना रही हूँ और हाथ हमारे अकेले के हैं तो दोनों ही चीज़ें संभालनी होती हैं, कि एक के चक्कर में दूसरे का काम तमाम ना हो जाए। और ये सब्जी पूरी ऑलमोस्ट पक गई है, तो हमने बस ऊपर से कटा हुआ हरा धनिया डाल दिया है और आँच बंद कर दिया है, फिर से धनिया डाल करके मिक्स कर देंगे। सब्जी एकदम परफेक्ट, बहुत ही अच्छे से तैयार हो गई है, और गरम गरम सब्जी एक तरफ रखी है, ढक दिया है हमने उसको। और जितनी देर ये सब्जी में धनिया डाला है उतनी देर में यहाँ इनकी चीनी घुल गई है, तो हलवे को भी एक बार हिला दिया है। तो ये देखिए पहले से फिर हल्का सा पानी दिख रहा है ना, क्योंकि चीनी डालते हैं तो फिर पानी आता है, और चीनी डालने के बाद अब छोड़ ना दें, चीनी डाल के हिलाएं जरूर, वरना चीनी कई बार नीचे बैठ जाएगी तो आँच में जल जाती है। और आँच एकदम धीमी ही रखें, लास्ट मोमेंट में छोड़ कर आपको इधर से उधर भी जाना है ना, तो हमेशा आँच धीमी कर लेना। जो लास्ट में आपने आँच तेज रखी और आप इधर से किसी भी काम से फोन देखने चले गए तो आके हलवा जला मिलेगा, ठीक है? तो
तो बस ये देखो, अब हमने गैस बंद कर दी है और पूरा हलवा तैयार। जो हल्का सा मॉइस्चर है ये ठंडा होने पे एकदम ड्राई होगा। तो अब मैं डालूंगी इलायची पाउडर, जो मैंने आपके साथ शेयर किया था ना मैं कैसे बनाती हूँ, और ये है जायफल और दालचीनी का पाउडर। मैंने एक बार दो जायफल और थोड़ी सी ये दालचीनी पीस के रख ली है एक दिन, तो वही मीठी चीज़ों में डालना होता है तो मैं डाल देती हूँ। तो ये पाउडर है, तो इसमें मिक्स हैं दोनों ही चीज़ें और बहुत ही अच्छी सी खुशबू आती है। ज़रा सा डालना है, बिल्कुल पिंच। और अब ये कटे हुए ड्राई फ्रूट्स डालेंगे। देखिए ये हलवा जल्दी ख़त्म करना है इसलिए हमने कच्चे ड्राई फ्रूट्स डाले हैं। अगर आपको रखना है तो पहले ही घी में ड्राई फ्रूट भून के निकाल लीजिएगा। कभी भी हलवे में डालना है ड्राई फ्रूट्स तो पहले जब घी डाला था, गाजर भूना था, तो आप पहले डाल के निकाल लो ड्राई फ्रूट भून के। हमें तो ये ख़त्म ही कर देना है, इसको बचना है कितना है, तो इसलिए हमने अभी डाल दिया है। तो बस सबको ड्राई फ्रूट डाल के भी मिक्स कर लेंगे और फिर मैं इसे साफ़ धुले हुए स्टील के डब्बे में डाल दूंगी। तो डब्बे में इसलिए डाले हैं कि अभी गरम गरम निकाला है मुझे कढ़ाई से, क्योंकि रखा रहता है कढ़ाई में तो जो दूध है वो गाढ़ा होता जाएगा तो उसमें चिपक लगता है फिर कढ़ाई में, फिर उसे साफ़ करने में दिक्कत होती है। तो गरम गरम पूरा अच्छे से निकल भी जाता है कढ़ाई से, और ये डब्बे में रख दिया है। जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप इसे फ्रिज में भी रख सकते हैं, जब खाना है तो उतना निकालिए और माइक्रोवेव में गर्म कर ले या गैस में गर्म कर ले। बहुत ही टेस्टी बनना है ये हलवा। चूंकि अब ये गर्म है तो इसे हम ढकेंगे नहीं, वरना ऊपर पानी पानी आ जाएगा। तो बस ऐसे ही रख देंगे इसको खुला, और जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसे ढक करके रख देंगे। तो ये हो गया गाजर। तो हमने गाजर का हलवा रख दिया है साइड में बिना ढके। तो अब मैंने निकाला है आटा, और अब डालेंगे थोड़ा सा नमक, ज़रा सा डालती हूँ मैं, और फिर आटा गूंथेंगे। आज मैं बनाने वाली हूँ पराठे। मेरे दोनों बच्चे घर पर हैं और सैटरडे है आज, और दोनों ही बच्चे गरम गरम खाएंगे तो मैं उनको पराठे खिलाऊंगी, क्योंकि बच्चों को टिफ़िन में तो मैं रोटियां ही देती हूँ। और जब सेम की सब्जी बने या भिंडी फ्राई घर में बने या गोभी फ्राई बने, कुछ सब्जियों के साथ मेरे बच्चों को पराठे ही पसंद हैं। तो शुभी नहा के आई है, देव पूजा करने जा रही है, तो वो हलवा लेके जा रही है प्रसाद के लिए, क्योंकि आज मीठा बना है। तो मैंने शुभी से बोला, शुभी फिर हलवा प्रसाद में चढ़ा देना, तो फिर वो लेके गई है। और यहाँ मेरा आटा भी तैयार हो गया है, पूजा करके आएगी शुभी तो खाने बैठेगी, तो अब मैं पराठे सेक रही हूँ। शुभी शुभम दोनों साथ खाएंगे और गर्मा गर्म पराठे। जो आज मैं पराठे बनाऊंगी वो गोल बनाऊंगी और बहुत ही इजी तरीके से। पहले भी मैंने बताया था, बॉल्स बना के आप ऐसे लंबा कर लो ओवल शेप में, फिर आप घी या तेल लगाओ और बीच में से ऐसे दबा दो और फोल्ड कर दो। अब आप इस गोले को चाहे तिकोना बेल लो और चाहे गोल बेल लो, जैसे आपसे बने, एकदम अच्छे से गोल गोल फूलते हैं इस तरीके से पराठे। बीच में आपने देखा है लेयर कैसे आई है, ओवल शेप में बेल के बीच में से उंगली और अंगूठे से दबा लिया जाता है, और फिर वो उस गोल को घी तेल की लेयर लगा के उसको फोल्ड कर लेते हैं। से एकदम फटाफट पराठे बेलते जाना है, खिलाते जाना है, तो ये सबसे इजीएस्ट वे है। 3 परत में 2 बार हाथ यूं यूं करने पड़ते हैं, इसमें कुछ नहीं करना पड़ता। एक बार लगाया घी, ये देखो बीच में से फोल्ड किया और बस दोनों को आपस में चिपका दिया। अब इसको चाहे आप ट्रायंगल भी, मतलब बेलने के ऊपर डिपेंड है, आप तीन तिकोने का शेप भी दे सकते हो और पूरा गोल गोल घुमाते जाओगे तो गोल भी बन जाएगा। बस पराठा दोनों तरफ से अच्छा सिकना चाहिए, पतला बेलना चाहिए और परत अच्छी सी खुले, यानी कि फूलना चाहिए, तो पराठे खाने में हल्के लगते हैं और अच्छे लगते हैं, और सर्दियों में तो खासकर गर्म पराठे। और आज एक क्वेश्चन का आंसर करने वाली हूँ। कल किसी व्यूवर ने पूछा है कि आप गेहूं का आटा जब पिसाते हैं तो गेहूं धुलते हैं क्या? हमारी मम्मी लोग बांदा में, उनके घर हैं छतें हैं, तो वो लोग भैया लेके धोती हैं, सुखाती हैं, फिर पिसवाती हैं। हमने कभी धुला, शायद शुरू शुरू में जब आए महाराष्ट्र तो एक दो बार धुला, जब किराए के घरों में रहे तो जहाँ छतें थीं तो चले गए धो के फैला दिए। तब 2 लोग थे, थोड़ा सा लगता था 5-7 किलो गेहूँ धो आए, क्योंकि वही पता था धोने वाला। लेकिन जब हमने देखा कि वो जो हमारी लैंडलॉर्ड थी, वो लोग तो नहीं धोती हैं, बिना धोए ही सब पिसा लेती हैं। तब हम मुर्तजापुर में रहते थे, हजारे के घर पे, तो फिर हम रेलवे क्वार्टर्स में गए, वहाँ तो ना कोई छत ना कुछ, तो कहाँ धुले, वहाँ तो आगे पीछे लॉन ही रहते थे, तो फिर कभी धुला ही नहीं। तो जब बिना धुले खाते गए तो फिर खा ही रहे आज भी। तो आज की तारीख में कुछ गेहूं धुलते उलते नहीं है, जैसे ही आए उन्हें हम वैसे ही पिसा लेते हैं। तो ये बन गई है, दोनों बच्चों की प्लेट्स लग गई है, और हलवा, सेम की सब्जी और पराठे।
तो मतलब मैंने ये बताया कि गेहूं जो मार्केट से आता है हम उसे धुलते नहीं हैं, सिर्फ पिसवा लेते हैं। हमारी मम्मी लोग आज भी धुलती हैं लेकिन हम नहीं धुलते हैं, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं हमें परिस्थिति के हिसाब से ढलना पड़ता है। अब इस घर में छत है लेकिन अब जो इतने साल से बिना धुले खा रहे रेलवे क्वार्टर में तो हम रह के आए ना करीब 10-12 साल, तो ना ही हम गेहूं धुलते हैं। और जो बेसन पिसाते हैं उसके लिए भी चने की दाल धो वो के नहीं सुखाते, अच्छा लेते हैं देख करके, क्वालिटी साफ सुथरा रहे, कोई कीड़े वगैरह ना रहे, यहाँ तक कि कंकड़ भी नहीं रहते। मतलब 2 पैसे ज्यादा ले लो लेकिन साफ सुथरा दो, तो मतलब देख के ही लाते हैं। और फिर वैसा ही कि वैसे बेसन भी ऐसे ही पिसाती हूँ चने की दाल का, ज्वार बाजरा जो भी अनाज आते हैं जैसे ही वैसे, बस हल्की धूप दिखानी हो तो दिखा लो अगर मॉइस्चर है, अदरवाइज वैसा का वैसा ही से पिसा लेती हम गेहूँ भी। तो अब बच्चों के साथ में जब उनका हो गया तो मैंने भी अपनी प्लेट लगा ली है और फिर सब साथ में खाएंगे, और ओम जब आएंगे तब मैं उनके लिए गर्म पराठे सेकूंगी, इसलिए मैंने रसोई का वो सब सामान वैसे ही रहने दिया है, क्योंकि वो आज जल्दी आते हैं, सैटरडे के दिन उनका हाफ डे होता है तो जल्दी भी उनका 3 बजे के बाद होता है, लेकिन वो आएंगे तभी मैं गर्म पराठे सेकूंगी, और सब्जी और हलवा तो गर्म कर सकते हैं माइक्रोवेव में। तो बच्चों के साथ खा रही हूँ, दोनों बच्चों को हलवा बहुत पसंद है, और बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं तो उनका टेस्ट भी डेवलप होता जाता है ना, तो उनको भी अच्छी चीज़ें अच्छी लगने लगती हैं, तो खूब अच्छे से खाया है दोनों ने गाजर का हलवा, खूब तारीफ भी करी है, क्योंकि जब छोटे होते हैं बच्चे उनके पीछे लगना पड़ता है ना, फिर बड़े हो जाते हैं बच्चे फिर नहीं। और सुबह ये सब काम करने के बाद तो मैं आराम करने भी जाऊंगी, क्योंकि आज सैटरडे है मेरा, सैटरडे संडे खतरनाक दिन होते हैं दोनों, और हमेशा की तरह मैं आज ही कपड़े धुलना चाहूंगी, यूनिफॉर्म तो है ही बच्चों की, और सारे कपड़े भी मैंने निकाल लिए जो जो मुझे धुलने हैं, सफाई करी थी जब मैंने, सब निकालती जा रही थी, तो बस मैं जैसे ही शाम की चाय होगी ना तो यही सोच रही थी कि मैं फिर कपड़ों का भी काम शुरू कर दूंगी। और ये बर्तन बर्तन मैंने इसलिए साफ कर लिए हैं कि बड़े बड़े बर्तन धुले रखे रहेंगे, मानो आएंगे जब हम तब खाएंगे, फिर शाम की दूध चाय के साथ वो छोटे छोटे बर्तन में रात में ही सीधा धुलूंगी। और मेरी फ्रेंड है जो पड़ोस में, भाभी जी, चौहान भाभी, जिनके साथ मैंने 1-2 बार वीडियोस भी दिखाए हैं, हम पाटना देवी गए थे, हमने गणपति विसर्जन किया या हमने तीज की पूजा करी थी, अगर कुछ रेगुलर व्यूवर्स हैं तो समझ गए होंगे, तो वो आज मिर्ची का अचार बनाने वाली हैं। वो महाराष्ट्रियन, मतलब उनका जो लाइफ स्टाइल महाराष्ट्रियन है, एक्चुअली वो है MP की लेकिन वो जब से शादी होकर आई है तो महाराष्ट्र में रहती हैं, ससुराल महाराष्ट्र की ही थी उनकी, तो वो मराठी ही कह सकते हो आप उनको, तो वो आज मराठी स्टाइल में बनाएंगी अपनी वो हिरवी मिर्ची चा लोंचा, हरी मिर्ची का अचार। तो उन्होंने मुझे कहा है कि तुम आना तो तुम्हारे सामने बनाऊंगी, तो वीडियो भी शूटिंग करना, तो मैं बोली ठीक है, तो मैं अपने घर के काम वाम करके ही वहाँ जाने वाली हूँ, तो इसलिए थोड़ा भी रेस्ट करूँगी। और उसके बाद जब वो आए तो उनको भी पराठे सेक के दिया, वो मशीन का शुरू कर दी मैंने, क्योंकि उनके भी कपड़े, शुभी शुभम सबके कपड़े इकट्ठे शुरू होते हैं तो टाइम लगता है मुझे, और बस शाम में बच्चों को वही था कि सिर्फ दूध चाहिए था और मैक्रोनी खानी थी, तो शुभी ने कहा मैं बनाऊंगी, शुभी मैक्रोनी और भेल, कुछ चीज़ें जो दोनों भाई बहनों को पसंद हैं वो दोनों ही मिल के बनाते करते रहते हैं। शूटिंग क्लिप नहीं करी मैंने, फिर लंबा हो जाता है वीडियो, शुभी ने बनाया पास्ता अपना और मैं इधर कपड़ों का काम करती रही, और मेरी चाय भी शुभी ने बना के दी है, और चाय पी करके मैं भाभी के पास जाऊंगी और अचार की जो शूटिंग करूंगी वो आप सभी के साथ जरूर शेयर करूंगी। थैंक यू, बाय बाय।